हेलो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ रीना। रीना अथर्वा चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स, आज पेरेंट्स का क्वेश्चन की आंसर का मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जिस पेरेंट का क्वेश्चन का आंसर आज वीडियो में है, तो सारे पेरेंट्स को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो शुरू से लास्ट तक देखेंगे, शायद सारे पेरेंट्स को काम आ जाए मेरा क्वेश्चन के आंसर से। तो आज मैं कोई एक्टिविटी नहीं बना रही हूँ, आज मैं पार्क में ही क्वेश्चन आंसर बना रही हूँ। और अथर्वा अकेले खेल रहा है, देख लीजिए, अथर्वा को बॉल दे दिया मैंने, अकेले खेल रहा है। तो पेरेंट्स, मुझे फ़ोन देख के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, मतलब क्वेश्चन फ़ोन पे आए आंसर मैं खुद दूंगी, तो क्योंकि इतना क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहता है। एक तो मेरे दिमाग में इतना प्रेशर रहता है जो कोई बात मुझे ज़्यादातर याद नहीं रहता है। तो पेरेंट्स, आज का क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विनायक शिंदे। उनका क्वेश्चन है, उनका बच्चा कार्स से खेलता है, तो कार्स का जो व्हील है ऐसे करके घुमाता है, सोफा के ऊपर, बेड के ऊपर, कोई पर भी कार का जो पहिया है वो घुमा के देखता है। तो ये प्रॉब्लम अथर्वा में था, अथर्वा कार का घुमा हुआ पहिया देखता था, फैन घूमता हुआ देखता था, फिर रोड में ले जाओ तो कार का जो कार चलता है उसको नीचे की तरफ देखता था। अथर्वा को भी ऐसे ऊपर नहीं देख सकते थे, उसको आई कॉन्टैक्ट हमेशा नीचे रहता था, नीचे का चीज़ देखता था, जैसे ऊपर से प्लेन जा रहा है वो देखना मेरे बच्चे को नहीं आता था। तो एक्टिविटी कर करके अथर्वा में ये सारे प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। तो अथर्वा के साथ मैंने क्या किया, कार का जो पहिया घूमता हुआ देखता है, इसके लिए मैंने अथर्वा को फास्ट, तो थेरेपिस्ट ने बोला था कार देना ही नहीं कुछ दिन के लिए, 6-7 महीने के लिए, जब तक देखोगे बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो रहा है। जो चीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बिहेवियर का प्रॉब्लम होता है, पैटर्न बना लेता है, वो चीज़ बच्चे को देना नहीं है, वो चीज़ अवॉइड करना है, मतलब आपको छुपा के रखना है। 2-4 दिन बच्चे रोएगा, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे का आदत हो जाता है। तो मैंने अथर्वा को साल भर कार नहीं दिया था और हाइपर एक्टिविटी किया था। मैं जो हमेशा वीडियो में बोलती हूँ, पेरेंट्स, आपका बच्चा हाइपर हो ना हो, फिर भी आपको हाइपर एक्टिविटी करना है। जैसे हम नॉर्मल लोग अगर काम करके जो मेहनत करता है, हम वर्क करता है, काम करता है, तो मेहनत करता है तो थक जाता है ना, वो भी एक हाइपर एक्टिविटी है। तो हमारा बच्चा अगर हाइपर हो ना हो, सीटिंग में कोई प्रॉब्लम रहे ना रहे, हमें हाइपर एक्टिविटी करना है। हाइपर एक्टिविटी करने से क्या होता है, अटेंशन बहुत अच्छा आता है, और बच्चे को, काफ़ी पेरेंट्स को दिमाग में एक ही क्वेश्चन रहता है, अटेंशन के लिए क्या करें। तो हाइपर एक्टिविटी कराना बहुत ज़रूरी है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब ये नहीं आपका बच्चा नहीं भाग रहा है तो आप नहीं करा सकते, आपको कराना ज़रूरी है। जैसे एनिमल वॉक हो, फिर साइकिलिंग, जंपिंग, पुलिंग, पुशिंग, ये सब कुछ, रन करना, फिर हॉपिंग करना, ये सब कुछ करने से, स्कीपिंग करना, ये करने से बच्चा थक जाता है, बच्चे का अटेंशन लेवल अच्छा होता है, और बच्चे के अंदर जो बिहेवियर की प्रॉब्लम है, जैसे पहिया घूमता हुआ देखता है, हाइपर एक्टिविटी करने के साथ साथ कार नहीं देना है, और हमेशा कोशिश करना है जब बच्चे घूमता हुआ चीज़ देखे उसको डिस्टर्ब करना है, दूसरे एक्टिविटी में इंगेज करना है। तो ऐसे करके हमारा अथर्वा 1 साल के अंदर अथर्वा को घूमता हुआ चीज़ें देखना बंद हो गया। और एक काम कर सकते हो, जो काम मैंने किया था वो भी थेरेपिस्ट ने बोला था, टॉय की शॉप में जो मिलता है, एक फ़ैन मिलता है, छोटा सा प्लास्टिक का फ़ैन मिलता है, उसको ऐसे घुमाओगे तो वो पंखा घूमता रहता है। तो मैंने अथर्वा को बोला था, मतलब टॉय शॉप से लेने के लिए, टॉय शॉप से लेके, अभी मेरे पास वो घूमता हुआ फ़ैन नहीं है, इसलिए मैं नहीं दे सकती हूँ, नहीं दिखा सकती हूँ। छोटा सा प्लास्टिक का टेबल फ़ैन बच्चे को खेलने के लिए होता है, वो ले लिया था, और मैं ज़्यादा टाइम मैंने उसको दिखाती थी, जब भी वो ऊपर घूमता हुआ फ़ैन देखता था या कार का व्हील्स देखता था, तो मैं वो वाला फ़ैन दिखाती थी, और टॉप जो होता है, टॉप घुमाने वाला, वो मैंने टेबल के ऊपर घुमा के उसको दिखाती थी। तो ऐसे कर कर के उसको घूमता हुआ चीज़ देखने का जो पैटर्न था और इच्छा था, वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया। तो आपको ये करना पड़ेगा, आप जो जो बच्चों के अंदर ये प्रॉब्लम है, पेरेंट्स प्लीज़ आप लोग वीडियो शुरू से देख लीजिए, और शायद आप सबको ही काम आ जाए कोई ना कोई प्रॉब्लम के चक्कर में। तो ऐसे ही करना है, कोई प्रॉब्लम हो घबराना नहीं है, हमें मतलब हिम्मत से सामना करना है, और हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होता है। तो ऐसे करके मैंने अथर्वा की घूमता हुआ चीज़ देखना, घूमता हुआ चीज़ से खेलना वो बंद किया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है पिंकी सिंधालियान। उनका क्वेश्चन का आंसर है, उसको बच्चा जंपिंग करता है, टू वॉकिंग करता है, तो उनके बच्चों का आई कॉन्टैक्ट भी नहीं है, पहले बच्चा ठीक था, अभी उसको मतलब सारे टेस्ट हो गया, तो
डॉक्टर ने उसको बताया शायद ऑटिज़म का सिम्टम है, तो आप टाइम वेस्ट मत करो, ऑटिज़म हो ना हो आई कॉन्टैक्ट के लिए कोई भी बच्चा हो कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर जो बच्चों का आई कॉन्टैक्ट नहीं है उसके साथ एक्टिविटी करने की ज़रूरत है तो आपको आई कॉन्टैक्ट पे और फाइन मोटर स्किल पे आपको ग्रोस मोटर पे आपको काम करना पड़ेगा, काम कराएंगे तो आई कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, हर एक एक्टिविटी में आई कॉन्टैक्ट होता है, अटेंशन होता है, तो आपको काम करने की ज़रूरत है। टो वॉकिंग की वीडियो है वो ज़रूर देख लीजिएगा और जंपिंग का वीडियो भी मैं अपलोड करूँगी, वो मैंने अभी तक जंपिंग कैसे रुकना है जंपिंग का जो बिहेवियर है वो वीडियो मैंने अभी तक दिया नहीं, उसका भी एक वीडियो मैं बनाऊँगी, तो अभी जंपिंग का वीडियो मैं बताऊँगी तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, मेरा वीडियो देखते रहिए, जंपिंग का वीडियो भी मिल जाएगा। टू वॉकिंग का वीडियो आप मेरे चैनल पर है देख लीजिए, तो आपको करने से शायद ज़रूर कुछ फ़ायदा होगा और जंपिंग का वीडियो मिल जाएगा। और जब आपको डॉक्टर ने बताया ऑटिज़म का सिम्टम है तो आप मतलब टाइम वेस्ट मत करो, थेरेपी शुरू कर दो, और अगर थेरेपी अवेलेबल नहीं है तो मेरे चैनल का हर एक एक्टिविटी देखो और करो, करोगे तो फिर आपका बच्चा धीरे धीरे मतलब वो हो जाएगा। और आपको हाइपर एक्टिविटी भी करने की ज़रूरत है क्योंकि आपका बच्चा जंपिंग कर रहा है, टो वॉकिंग कर रहा है, ये बिहेवियर की प्रॉब्लम है। मतलब हाइपर एक्टिविटी में जैसे एनिमल वॉक में हर एक वीडियो में बताती हूँ, वेस्टिबुलर एक्सरसाइज फिर बिहेवियर प्रॉब्लम ख़त्म करता है वेस्टिबुलर एक्सरसाइज में, और हाइपर एक्टिविटी ग्रोस मोटर स्किल भी हाइपर एक्टिविटी के अंदर आता है, तो मेरे चैनल पे देखो काफ़ी सारे ग्रोस मोटर स्किल है, हाइपर एक्टिविटी है, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट का एक्टिविटी है, वो करो आपका बच्चा का टू वॉकिंग जंपिंग ख़त्म हो जाएगा। उसके लिए टाइम लगता है और एक्टिविटी करने की ज़रूरत होता है, आप एक दो महीना करके अगर आप रुक जाओगे जो एक दो महीना कर लिया बच्चे को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। और टू वॉकिंग के लिए आप शूज़ पहना के भी रख सकते हो, शूज़ पहना के लेस बांध के, ये काम मैंने सर्दियों में किया था अथर्वा के साथ, शूज़ पहना के लेस ऐसे टाइट करके बांध दिया जो अथर्वा शूज़ नहीं खोल पाया, तो और शूज़ पहन के टो पे चलना बहुत मुश्किल है ऐसे करके धीरे धीरे, और वेट कैप जो है वो भी पहना देती थी ऐसे करके अथर्वा की, धीरे धीरे टो वॉकिंग ख़त्म हो गया। बहुत देर तक मेरा बच्चा टो वॉकिंग किया था, साल भर किया था, फिर धीरे धीरे ऐसे ख़त्म हो गया। तो आपको हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत है और टो वॉकिंग का वीडियो है वो भी देख लेना, और जंपिंग का वीडियो आपको ज़रूर मिलेगा। आप मेरे चैनल पर देखते रहिए और एक्टिविटी करते रहिए, आपके बच्चों में इम्प्रूवमेंट ज़रूर आएगा। नेक्स्ट पेरेंट्स है इंदरप्रीत, उनका क्वेश्चन है बच्चे का अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ाए, तो उसके लिए कोई एक पर्सनल एक्टिविटी नहीं होता है। पेरेंट्स आप लोग समझो, कब तक, जब तक आप लोग समझोगे बहुत लेट हो जाएगा, तो आप लोग समझो बच्चे को, मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए कोई एक पर्सनल एक्टिविटी नहीं होता है। फाइन मोटर में अंडरस्टैंडिंग आता है, ग्रोस मोटर में आता है, क्योंकि हर एक एक्टिविटी करने के लिए बच्चे को समझदारी आना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या है, समझदारी, बच्चे को अगर समझदारी का इम्प्रूवमेंट करना है तो हर साइड का भी एक्टिविटी आपको करना है, जैसे डॉट जॉइंट करने से शुरू करके कॉपी करना, कॉपी करने का मतलब इमिटेशन स्किल, लिसनिंग का मतलब सुनने वाला एक्टिविटी, फिर फाइन मोटर स्किल, जैसे एक नेकलेस बनाना है, अगर बच्चे को अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो बच्चा बीट्स को पकड़ के उसके अंदर होल में धागा कैसे डाले, तो आप लोग समझो जो अंडरस्टैंडिंग एक एक्टिविटी में नहीं आएगा, जितना एक्टिविटी मेरे चैनल पे, हर एक एक्टिविटी के अंदर अंडरस्टैंडिंग है, तो इसलिए हर एक एक्टिविटी मैं ये नहीं बोलूँगी जे सारे एक्टिविटी एक दिन में करो, कम से कम 20-20 एक्टिविटी एक एक दिन में करो ना, पास फाइन मोटर का ले लिया, पास ग्रोस मोटर का ले लिया, पास आई कॉन्टैक्ट की ले लिया, पास एक्टिविटी ले लिया एडुकेशन की, तो ऐसे करके फिर अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है। आप सोचोगे तो कोई एक साइड के एक्टिविटी मैम बता देगा और मेरे बच्चे को अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आने के लिए हाइपर एक्टिविटी, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, इमिटेशन स्किल, फिर लिसनिंग एक्टिविटी, सारे एरिया की एक्टिविटी थोड़ा थोड़ा करके करना पड़ेगा, और ज़्यादा कर पाओगे तो बहुत जल्दी आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग, और जितना बिजी रखोगे बच्चे को काम सिखाओगे उतना जल्दी आपका बच्चा में अंडरस्टैंडिंग आएगा। ये नहीं है आप छोड़ दोगे एक एक्टिविटी कराओगे और सोचोगे आपका बच्चा समझदार हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है, काफ़ी मेहनत के बाद बच्चों के अंदर अंडरस्टैंडिंग आता है, समझदारी आता है, उसके लिए चारों एरिया की काम करना है। तो आप लोग प्लीज़
मतलब टाइम वेस्ट ना करो। मेरा रिक्वेस्ट है हर एक एक्टिविटी कराओ, समझदार होगा तब भी जब आप सारे एक्टिविटी सिखाओगे। अगर पेपर कटिंग करना है तो उसको लाइन लगा के दोगे और लाइन के अंदर से पेपर कटिंग करेगा तब भी तो बच्चे को समझदारी आएगा। कलरिंग का जो एक्टिविटी होता है तो कलरिंग करने के लिए लाइन का कॉन्सेप्ट, डॉट जॉइंट करना, फिर कुछ पिक्चर तुम बना दोगे उसको कॉपी करना, फिर अल्फाबेट का डिटेक्शन करना, मतलब हर एक टाइप का हम जो काम करता है सारे काम पे अंडरस्टैंडिंग होता है, समझदारी चाहिए काम करने के लिए। तो अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने जो बताया प्लीज़ आप लोग गौर से सुनिए और एक्टिविटी कराइए, आपका बच्चा भी ज़रूर समझदार होगा। अथर्वा के साथ मैंने इतना एक्टिविटी कराया तब भी तो जाके मेरा बच्चा समझदार हुआ, और दो तीन साल में कोई बच्चा इतना समझदार नहीं होता है, कम से कम 5 साल के बाद बच्चा थोड़ा थोड़ा समझदार होता है। उसके लिए आप 3 साल से एक्टिविटी करना शुरू करोगे तो फुल टाइम अगर बच्चे को दोगे तो 5 साल के बाद ही बच्चा अच्छा मतलब समझदार हो जाएगा। तो सारे एक्टिविटी कराओ, मेरे चैनल में कोई एक भी एक्टिविटी फालतू नहीं है। जो एक्टिविटी मैंने अथर्वा के साथ किया और जो मेरा तीनों थेरेपिस्ट ने बताया सारे एक्टिविटी मैं अपलोड कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक्टिविटी कराओ। मेरे टाइम पे मुझे इतना हेल्प करने वाला कोई नहीं मिला था, ना कोई यूट्यूब चैनल मिला था, मतलब मैं जो थेरेपी कराया एक्स्ट्रा मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी मैं थेरेपिस्ट का बातें दवाई समझ के करती थी, उन जो बोलता था वही मैं करती थी। तो इसलिए शायद मेरा बच्चा इस लेवल पर आ गया। तो एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, टाइम वेस्ट करना और भटकना, अगर आप लोग इधर उधर भटकते रहोगे तो फिर भटकते ही रहोगे, बच्चे का एज बढ़ जाएगा। मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, शायद पेरेंट्स को अच्छा ना लगे, तो बच्चा अगर ज़्यादा एज हो जाए फिर ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगा। छोटा एज में बच्चे को एक्टिविटी कराओगे तो एज बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है जो आप सोच भी नहीं पाओगे। अगर बच्चा बड़ा हो जाए फिर इम्प्रूवमेंट मिलता है, जो हिसाब से आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए वो हिसाब से नहीं मिलेगा। एक्टिविटी कराओगे तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाता है, लेकिन फुल फाइनल इम्प्रूवमेंट बड़ों बच्चों के लिए लाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग टाइम वेस्ट मत करो, एक्टिविटी कराओ, समझदार हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट पेरेंट्स है वैभव वर्मा, उनका क्वेश्चन है उनका बच्चा राइटिंग करना नहीं चाहता है, तो राइटिंग करने में मुश्किल है, क्योंकि जितना मुझे पता है, जितना मुझे मालूम है अथर्वा के साथ काम करके, क्योंकि इनका ना फिंगर पे ग्रिप नहीं होता है तो पेंसिल होल्डिंग करने में मुश्किल होता है, फिंगर पे पेन होता है, मतलब दर्द होता है, टाइट करके पेंसिल पकड़ के लिखने में मुश्किल होता है, तो इनको दर्द होता है। तो इसलिए आपको फाइन मोटर पे काम करना पड़ेगा, जैसे जॉइंट कंप्रेशन का वीडियो है वो आपको देखना पड़ेगा, उसका एक्टिविटी करना है, फिर स्माइली बॉल से ऐसे फिंगर को प्रेशर देना है, फिर कपड़ा का चिमटा लगाना है, पेपर फाड़ना है, फिर आटा टाइट करके आटा गूंदोगे फिर उसमें प्रेशर देना है, सीजर से पेपर कटिंग करना है, मतलब काफ़ी सारे फाइन मोटर का जो एक्टिविटी में फिंगर में प्रेशर लगता है, ऐसे टाइप का एक्टिविटी को फाइन मोटर स्किल कहता है। तो छोटा छोटा मांसल पेशी जो कमज़ोर रहता है उसको ठीक करने के लिए फाइन मोटर स्किल का एक्टिविटी करना पड़ता है। तो आपका बच्चों का फाइन मोटर में प्रॉब्लम है, फिंगर पे ग्रिप नहीं है और उसको फिंगर पे पेन होता है, इसलिए पेंसिल पकड़ना ही नहीं चाहता है। अथर्वा में भी ये प्रॉब्लम था, तो अथर्वा को साथ 1 साल फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी करके फिर अथर्वा का ये प्रॉब्लम थोड़ा सा कम हुआ था, फिर धीरे धीरे अथर्वा पेंसिल पकड़ने लगा और 1-2 अल्फाबेट लिख के अथर्वा पेंसिल छोड़ देता था, मतलब आधा घंटा बैठ के लिखना अथर्वा के लिए मुश्किल था। तो उस टाइम ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट बोला था इसको फिंगर में पेन होता है, ग्रिप नहीं है, पकड़ के ऐसे रखना इनके लिए मुश्किल होता है। तो फाइन मोटर स्किल का एक्टिविटी मैं अभी भी कराती हूँ, तो अथर्वा की अभी भी होल्डिंग में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिंगर अभी भी हम जैसे ऐसे राउंड करके पेंसिल पकड़ता है, अथर्वा अभी भी ऐसे राउंड नहीं कर सकता है, अथर्वा ऐसे पेंसिल पकड़ता है, मतलब उसका फिंगर ऐसे रहता है, ऐसे सर्कल शेप बना के नहीं कर सकता है। तो अभी भी मैं कराती हूँ, तो अगर ये सर्कल शेप ना भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी अथर्वा की राइटिंग में, तो अथर्वा कर लेता है। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ आपका बच्चा पेंसिल होल्डिंग में प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर उसको लिखने का आदत डालाइए, एक चाय रखने वाला ट्रे में या बड़ा प्लेट में आप मिट्टी रखो, मिट्टी के ऊपर फिंगर से, या पाउडर के ऊपर, या आटा के ऊपर, या तो ग्लिटर के ऊपर, ये वाला वीडियो में मैं अपलोड किया है,
तो फिंगर से ऐसे ए बी सी डी स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन फिंगर से फास्ट राइटिंग ये बच्चों के लिए आसान इजी होता है। फिंगर से राइटिंग करना, पेंसिल होल्डिंग करना शुरू में बहुत मुश्किल होता है। फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी करके जब तक फिंगर पे ग्रिप नहीं आता है तो इनके लिए मुश्किल होता है। इसलिए आप पहले तो आप पाउडर के ऊपर या तो ग्लिटर के ऊपर या तो मिट्टी के ऊपर आप राइटिंग करना सिखाइए और फाइन मोटर स्किल पे एक्टिविटी कराइए। और हमेशा ये करना है, फिंगर से पाउडर के ऊपर राइटिंग कराएंगे तो हर रोज़ मतलब पेंसिल होल्डिंग कराना ही कराना है। हर रोज़ अगर पेंसिल होल्डिंग करके एक दो मिनट अगर राइटिंग कराओगे तो धीरे धीरे आदत होगा, नहीं तो अभी से अगर पेंसिल होल्डिंग का एक्टिविटी करके पेंसिल से लिखने का आदत नहीं डालोगे तो फिर आगे जाके बहुत मुश्किल करेगा। बच्चा जब बड़ा हो जाता है उनको अपना मतलब ट्रैक में अपना ट्रैक में लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको मतलब रोज़ पेंसिल होल्डिंग करके थोड़ा थोड़ा राइटिंग करना है, फिंगर से राइटिंग कराना है और फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी करना है तो आपका बच्चा ज़रूर पेंसिल होल्डिंग करेगा और आराम से लिखेगा। जैसे अभी अथर्वा दो तीन घंटा भी राइटिंग कर सकता है तो आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके लिए आपको काम करना है, प्लीज़ आप फाइन मोटर स्किल पर काम कराइए और रोज़ प्रैक्टिस कराइए राइटिंग की, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। टाइम लगेगा लेकिन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट अमित आनंद का क्वेश्चन है, उनका बेटे को जब चोट लगता है वो चोट के जगह पे उसका बच्चा नोचता है तो आपको क्या करना है? एक तो उसको फिंगर का मतलब फिंगर पे ब्रश एक्टिविटी करना है, फिंगर पे प्रेशर देने का एक्टिविटी करना है और उसको फीलिंग्स समझाना है, उसको बताना है। जब उसको अगर यह पर चोट लगा तो आपको बताना है, ओहो बच्चा तुम्हें चोट लग गया, तो आपको फूंक मारना है, फिर उसको वह पर थोड़ा सा क्रीम लगाना है और फूंक मारना है और आपको बताते रहना है जे बच्चा यह पर चोट लगा, ओहो हाथ नहीं लगाओ, दर्द होगा, पेन होगा, आपको दर्द हो रहा है। तो ऐसे फीलिंग्स लाने की कोशिश करो और उसको फिंगर पे प्रेशर लगाओ, दोनों हाथ पकड़ के ऐसे प्रेशर देना है, फिर नेल पे ब्रश करना है, ब्रश एक्टिविटी। जो नोचता है उसका भी वीडियो है मेरे चैनल पे, नोचने वाला जो बच्चा होता है जो पिंस करता है उसका एक्टिविटी में मैंने डाला, वो वाला वीडियो देख के आप फिंगर पे वो कराइए और उसको फीलिंग्स सिखाइए और उसको जहाँ चोट लगेगा आप क्रीम लगाइए और फूंक मारिए और उसको बताइए पेन हो रहा है, दर्द लगा, चोट लगा तो कैसे लगा, तो हमें डॉक्टर के पास जाना है या हमें मेडिसिन लगाना है, कोई ब्रो प्लस लगा दो, कोई क्रीम लगा दो, कुछ भी लगा दो और बोलो ये मेडिसिन है आपको ठीक हो जाएगा। तो ऐसे फीलिंग्स लाना है, इसके लिए टाइम लगेगा लेकिन रोज़ जब भी लगे ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक टाइम के बाद बच्चा सीख जाता है। सरिता सिंह पेरेंट्स का क्वेश्चन है, एक्टिविटी करने के टाइम उसको बच्चा बहुत रोता है, तो ये आपका बच्चा नहीं, हर एक बच्चा रोता है। कोई बच्चा प्यार से एक्टिविटी नहीं करता है। अथर्वा को ट्रैक पे लाने के लिए एक्टिविटी में आदत डालने के लिए 6 महीना मुझे टाइम लगा था, 6 महीना मेरा बच्चा रोया, फिर भी मैं छोटा था, मैं गोदी में उठा के ज़बरदस्ती उसको काम कराती थी, ज़बरदस्ती बॉल के ऊपर बैठा के मैं जंपिंग देती थी, जंपिंग देने के टाइम खींच के उतर जाता था, इतना रोता था, इसका कोई हिसाब किताब नहीं था। मतलब अड़ोस पड़ोस के लोग भी परेशान हो जाते थे जो बच्चा इतना क्यों रो रहा है। उसके साथ साथ मैं भी रोती थी जो अगर बच्चा एक्टिविटी ना करे तो मेरा बच्चा ठीक कैसे होगा, थेरेपिस्ट बोल दिया अगर एक्टिविटी करेगा तो इम्प्रूवमेंट होगा कुछ हद तक, नहीं तो नहीं होगा। तो मैं उस टाइम बहुत रोती थी, मेरा बच्चा इतना रोता है तो एक्टिविटी नहीं करा तो मैं ठीक कैसे करूँ। लेकिन उस टाइम मैंने ही उसको छोड़ा, आप छोड़ दोगे जो मेरा बच्चा रो रहा है चलो आज नहीं करूँगी कल करूँगी, तो कभी आप बच्चों को आदत नहीं डाला पाओगे और आपका बच्चों में इम्प्रूवमेंट लाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रोता है रोने दो, हमारा टारगेट रखना है रोता है रोने दो बेटा, रोने से कुछ नहीं होता है, रो लो लेकिन मैं एक्टिविटी कराऊंगी। शुरू में थोड़ा टाइम से शुरू करो, आधा घंटा एक घंटा, धीरे धीरे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा ऐसे कर करके फिर मैंने 9 घंटा तक अथर्वा को एक्टिविटी कराती थी। तो आप भी ऐसे थोड़ा टाइम से शुरू करो और रोने दो, रोने से कुछ नहीं होता है। अगर आप प्रैक्टिस करके आप नहीं कराओगे तो आगे जाके आपका बच्चे को आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे, जब बड़ा हो जाएगा कोई भी एक्टिविटी नहीं करेगा तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएगा, तो हमेशा आपको परेशानी में झेलना पड़ेगा। इसलिए पेरेंट्स मेरा बात सुनने में थोड़ा सा कड़वा लगता है क्योंकि मुझे पता है अगर आप लोग ढीला छोड़ देंगे तो बच्चों में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। इसलिए मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, हमें एक्टिविटी करने की ज़रूरत है, बात सुन के इधर उधर भटक के कुछ नहीं मिलने वाला है। जो भी काम है, जिसको दिमाग में जो भी काम होता है वो काम कराओ बच्चों के साथ, मतलब
ये नहीं सोचना ये काम करने से ठीक होगा, वो काम करने से ठीक होगा। हर एक काम में इम्प्रूवमेंट होता है, हर एक काम में अटेंशन देना पड़ता है, हर एक काम में समझदारी आता है। इसलिए कोई भी काम आप खुद भी दिमाग लगा के सोच सकते हो, आप खुद भी कोई भी एक्टिविटी करा सकते हो। जैसे आप खुद पढ़ाई किया तो आप जैसे आ राइटिंग सीखा, ABCD राइटिंग सीखा, उस हिसाब से आप भी बच्चे के साथ कर सकते हो। एक हमेशा ये नहीं सोचना मेरा बच्चा स्पेशल है तो स्पेशल टेक्निक करके ही उसको पढ़ा लिखा सिखाना है। नहीं, हम अपना टेक्निक से भी करा सकता है। ये पहले मेरे को समझदारी नहीं था, मुझे समझ नहीं आता था जे हम अपना तरीके से बच्चे को भी सिखा सकता है। मैं भी सोचती थी शायद स्पेशल टेक्निक अलग होगा, स्पेशल टेक्निक में सिखाऊंगी तो बच्चा सीख जाएगा, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं। आप अपना तरीके से भी हर एक एक्टिविटी करा सकते हो, सिखा सकते हो। तो आप करो, ज़बरदस्ती करो, फिर आपका बच्चों में करने की आदत होगा, 6-7 महीना लग जाएगा, फिर वो आराम से करेगा, बुलाने से फिर आ जाएगा, करेगा। उसके लिए आपको आदत डालना पड़ेगा, आदत डालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ज़बरदस्ती बच्चों के साथ काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट पेरेंट है शोखेर रादुनी, उन्होंने बोला जे मैंने जो ब्रेन एक्सरसाइज दिया, स्टूल के नीचे से जाना है, सोफे के नीचे से जाना, या ऐसे क्रॉस करके उठक बैठक करना, तो ये अथर्वा को मतलब 3 इयर्स से मैंने शुरू किया था। तो 3 इयर्स से शुरू करके अभी भी कभी कभी करता है, कान पकड़ के चोटक बैठक वो अभी भी रोज़ करता है, लेकिन सोफे के नीचे से वो अभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। 3-4 साल तक मैंने अथर्वा को साथ किया। ये छोटा बच्चा ही कर सकता है, छोटा बच्चे को करने की ज़रूरत है। जब बच्चे को इम्प्रूवमेंट आ जाता है फिर ना भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सोफे के नीचे से जाना, स्टूल के नीचे से जाना, चेयर के नीचे से जाना, ये हर एक बच्चा कर सकता है। 2 साल से लेकर शुरू करके मतलब जब तक बच्चे को इम्प्रूवमेंट नहीं आता है अच्छा से, तब तक बच्चा कर सकता है। 3-4 साल मैंने अथर्वा के साथ किया। और कान पकड़ के जो क्रॉस करके, कान पकड़ के जो उठक बैठक करना 20 टाइम, ये भी अथर्वा को मैं अभी भी कराती हूँ, क्योंकि ये ब्रेन एक्सरसाइज है। इस करने से दोनों साइड की ब्रेन अच्छा से चलता है और बच्चा थक भी जाता है। सोफे के नीचे से जाने वाला, जो स्टूल के नीचे से जाने वाला, वो अभी मैं रोज़ नहीं कराती हूँ, क्योंकि अभी अथर्वा के पास दूसरा एक्टिविटी होता है, इसलिए मैं वो एक्टिविटी अभी नहीं कर रहा हूँ। 3-4 साल करके फिर मैंने रुक गया। और बाकी जो क्रॉस करके ऐसे करना, मतलब जो भी एक्टिविटी मैं डालती हूँ, ये नहीं है जो सिर्फ बड़ा बच्चा कर सकता है, छोटा बच्चा नहीं, नहीं सारे बच्चा कर सकता है। काफ़ी पेरेंट्स के अंदर ये कन्फ्यूज रहता है, हमारा बच्चा इतने ईयर्स किया, इतने साल किया, तो ये कर सकता है, हर एक एक्टिविटी कर सकता है। आप शुरू में छोटे बच्चे के लिए थोड़ा टाइम कराओ, फिर बड़ा बच्चे के लिए ज़्यादा टाइम कराओ। छोटे बच्चे को नहीं आता है पकड़ के सिखाओ, बड़े बच्चे को आता है तो उसको खुद करने दो, बस इसकी ज़रूरत होता है और कुछ नहीं। तो आप लोग हर एक एक्टिविटी करा सकते हो, कराओगे तो फिर बच्चा धीरे धीरे सीख जाएगा। तो आज का क्वेश्चन आंसर में मैं इतना पेरेंट्स का क्वेश्चन के आंसर दे दिया। नेक्स्ट सैटरडे को फिर मिलेगा क्वेश्चन की आंसर पेरेंट्स की। मैंने अभी सोचा मैसेज लिख के देना, मेरे पास टाइम नहीं होता है, तो मैं कोशिश करूंगी जो जो पेरेंट्स का क्वेश्चन का आंसर मेरे नज़र में आ जाए तो उनका क्वेश्चन के आंसर का वीडियो बना के मैं दे दूंगी। और अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और जैसे मैंने बताया प्लीज़ आप लोग ऐसे करो तो ज़रूर आपका बच्चा इम्प्रूवमेंट करेगा। टेंशन नहीं करना, टेंशन करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, आप बच्चे को टाइम नहीं दे पाओगे। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, बच्चे को टाइम देना है, एक्टिविटी कराना है। तो एक्टिविटी करेंगे तो हमारा बच्चा बहुत कुछ कर सकता है। तो आज ही आता, फिर न्यू वीडियो में नेक्स्ट एक्टिविटी लेके फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।